हाय मनमोहन, आज हम देखते हैं हमारे बहुत सारे दोस्त जो बहुत अच्छे कॉर्पोरेट्स में, एमएनसीज में जॉब करते हैं, बहुत सारी नॉलेज, स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज के बावजूद, अच्छे पैकेज के बावजूद उनको ऐसे लगता है कि अपनी लाइफ को वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। रैदर जब उनसे हम और डीप डाउन बात करते हैं तो दे शेयर देयर थिंग्स विच आर नॉट हैप्पी। वो कहते हैं कि हमको स्ट्रेस है, हमको एंजाइटी बढ़ती जा रही है, और कई लोग कहने में संकोच करते हैं लेकिन हकीकत है वो नज़र आता है कि दे आर गेटिंग इनटू ए मॉडर्न फैशन, ए मॉडर्न फैशनेबल डिजीज विच इज़ कॉल्ड डिप्रेशन। एंड फ्रॉम डिप्रेशन हैंस फोर्थ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, दे कैन हैव एनी कंट्रोल ओवर देमसेल्व्स। एंड इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कुछ सीक्रेट नहीं है, देज आर सिंपल सम बिहेवियर्स जिनको हमको केवल ध्यान में रखने का जरूरत है। ये किन कारणों से होता है? ये हमें तब होता है जब हमारे पास अपनी जो सेल्फ इमेज है वो कमजोर पड़ने लगे और हमारे पास कोई स्पेसिफिक फ्यूचर का कोई कंपेलिंग गोल ना हो। सेल्फ इमेज हमको इसलिए कमजोर होती है कि हमारी अपनी छवि हमारी अपनी नज़र में कमज़ोर होने लगे तो हम अपने आप को रेस्पेक्ट करना, अपने आप को प्यार करना कम कर देते हैं। दूसरा, जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं हो, कोई वजह नहीं हो, हम कैसे मोटिवेट करें अपने आप को? और हम अपने आप को मोटिवेट तब कर सकते हैं जब हमारे पास कल के लिए कोई वजह हो, और वजह हो सकती है हमारी फ्यूचर की कोई ऐसी डिज़ायर्स, ऐसे ड्रीम्स जिनके लिए हमको लगे कि ये वर्थवाइल है, जिनके लिए हम सुबह उठें एनर्जी के साथ, दिन में प्लान करें एनर्जी के साथ और शाम को अपने को ये पूछे कि हमने अपने डिज़ायर ड्रीम्स के लिए ये किया और इसके लिए मैं संतुष्ट हूँ। जब आप इस फीलिंग्स के लिए सोते हैं तो नेक्स्ट डे आपकी बहुत सुंदर होती है। अगर आपको एक चेक करना है अपने साथ तो जब हम सुबह उठते हैं तो अपने आप से पूछिए, क्या हमारी एक पैशनेट एनर्जी है या हमारी एक डिप्रेस्ड एनर्जी है? ये हमारे इंडिकेटर्स हैं लाइफ के, सिंपल इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि नेचर बहुत सिंपलिसिटी के साथ चलती है, कभी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। जब हम सुबह उठते हैं और हमारे पास एक पैशनेट एनर्जी है, अच्छे ख्याल हैं, कुछ करने का इरादा होता है, तो ये हेल्दी सिम्टम्स है। अब हम इसको न्यूरो प्रोग्रामिंग के नज़रिए से देखें तो जब भी हमारे पास एक प्लेजेंट थॉट है या अनप्लेजेंट थॉट है तो दोनों ही हमारी स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं। अगर हम सुबह डिप्रेस्ड एनर्जी के साथ उठते हैं, कोई जुनून नहीं है सुबह उठने के लिए, कोई कारण नहीं है अपने आप को जंप करने के लिए, बेड से ऐसे लगे कि दिस इज द टाइम फॉर मी और इस टाइम में मैं ये करने वाला हूं, दैट इज अ पैशनेट एनर्जी। और ये पैशनेट एनर्जी तब होगी जब आप एक रिसोर्सफुल स्टेट में हैं। रिसोर्सफुल स्टेट, प्लेजेंट स्टेट और लव स्टेट, ये एक ही बात है। जब आप एक रिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं, प्लेजेंट स्टेट में होते हैं, तो हमारी जो बॉडी है, हमारा जो माइंड है, हैप्पीनेस केमिकल्स रिलीज कर रहा होता है, एंडोर्फिन्स, डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन। ये तभी होते हैं जब हमारा एक स्पेसिफिक प्लान है, एक स्पेसिफिक उद्देश्य है और उसके लिए हम न्यूरोलॉजिकली अलाइंड है, न्यूरोलॉजिकली रिवायर्ड है। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो एक जरूरत है, बहुत सिंपल। सक्सेस बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, केवल हम अपने को जस्ट पूछे और ऑनेस्टली हमारी लाइफ में जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर ले, उसको समझ ले कि ये फीलिंग्स है, इसका ये इंटरप्रेशन है। अगर हमारे साथ केवल हम एक ऐसी स्टेट में है जहां हमारे साथ बहुत एनर्जी नहीं है, पैशन, तो हम केवल अपने आप से ये पूछें कि हमारे मॉर्निंग के पैटर्न्स कैसे हैं। एनएलपी, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इज ऑल अबाउट द पैटर्न्स। जो चीज़ आपको रोकती हैं, ऐसे डिले करने को बोलती हैं, पोस्टपोनमेंट करने को बोलती हैं, ये वो सिम्टम्स हैं जिनको हम कहते हैं अनरिसोर्सफुल स्टेट। और जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता, कोई प्लान नहीं होता, न्यूरोलॉजिकली हम किसी चीज से अलाइंड नहीं है, किसी के लिए ड्राइव नहीं कर रहे, तब ऐसे सिम्टम्स आते हैं। पैटर्न्स, जब हम सुबह हमको ऐसे लगता है पोस्टपोन करने को दिल करे, रात को
टाइम से ही लीस होए, किसी स्पेसिफिक प्लान के साथ लीस होए, और सुबह कोई रिचुअल्स नहीं हो, दिन का कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं हो, ये सब वो सिम्टम्स हैं जब हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ मिस कर रहा होता है। न्यूरोलिंग्विस्ट प्रोग्रामिंग इज द बेस्ट टूल, सिंपल टूल लाइफ को बदलने के लिए। केवल आपको अपने आप को, अपने आप को जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट करना है। एंड इफ यू वांट टू चेंज दिस स्टेट, स्टेट इज द मोस्ट पावरफुल टूल विद अस। अगर हमारा स्टेट पॉजिटिव है तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इफ यू वांट टू अचीव दिस सिचुएशन, दिस स्टेट, जस्ट थिंक एंड कम टू द न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सेशंस। बिलीव मी, लाइफ विल नेवर बी सेम अगेन एंड लाइफ विल डांस टू योर ट्यून्स। थैंक यू सो मच।